सीखो, समझो और उन्नति करो। डॉक्टर अंबेडकर, इतना प्रेम है मुझे इनसे, इतना। ये जितने भी लोग आप यहां देख रहे हैं, आप एक काम करो, इसी बैकग्राउंड की फोटो खींच लो आप और अपने बढ़ने वाले मेज पर लगाओ। डॉक्टर अंबेडकर, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज मैं इतिहास विषय पर बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, आज मैं कुछ ऐसी बातें करूंगा। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए और मेरा सेमिनार था लखनऊ में, वहां दो बच्चियां मिली, एक लड़का मिला, और उन्होंने कहा कि सर, भारत समाचार के शो ने हमारा जीवन तो बदला ही सर, सर हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया सर। बड़े साहस मिला उस बात से। तो मैंने फिर ये सोचा कि हम एक शो ऐसा करेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा शिक्षा क्या है, कंपटीशन क्या है, कोचिंग क्या है और परिवार की उसमें क्या भूमिका है। आज का हमारा शो उसी पर केंद्रित है, शिक्षा क्या है। अब शिक्षा शेरनी का दूध है, साहब कहते हैं शिक्षा शेरनी का दूध है। इन लोगों से आप प्रेम करिए, प्रेम ये आपका जीवन बदल देंगे। इनको हिंदू, मुस्लिम, दलित, ब्राह्मण इस रूप में मत देखिए, क्या गुनाह कर रहे हैं आप लोग। शिक्षा अमृत है, जो पी ले कायदे से अमर हो जाए। और मैं बार बार यह बात कहता हूं कि शिक्षा का उद्देश्य है दिमाग को जिंदा करना। अब मेरे बड़े सारे भाई बहन, हमारे समाज के लोग शायद शिक्षा का मूल उद्देश्य नौकरी मानते हैं। मैं मानता हूं, मैं भी मिडिल क्लास से आता हूं, तो हमारे परिवार की भी इच्छा थी, खासकर हमारे माताजी की इच्छा थी कि भैया अच्छा पढ़ लो और नौकरी लग जाए, नौकरी लग जाए, फिर विवाह हो जाए भैया, फिर तुम्हारे बच्चे हो जाएं, फिर जैसे हमारी जिंदगी कटी दो परिवारों से महाभारत करते हुए, ऐसे तुम्हारी भी जिंदगी बेटा आराम से कट जाएगी। आदमी पैदा होता है तो उसका एक अपना परिवार होता है, अपने माँ बाप, अपने मामा, अपने मौसा, अपने चाचा, अपने फूफा। महाभारत क्या है? दो सेनाओं के बीच युद्ध। तो देव सेनाएं कौन सी हैं? एक आपकी, एक आपके पत्नी के परिवार की, और फिर 20-25 साल में आपकी शादी हो गई तो दूसरा पक्ष भी आ गया, फिर पत्नी के माता पिता, उसके मामा फूफा चाचा, और फिर बच्चे, और फिर आराम से जीवन कट जाता है। इस देश में शिक्षा को सबसे निम्न माना जाता है। कहते हैं शिक्षा मतलब नौकरी, ई इज इक्वल टू ई, एजुकेशन इज इक्वल टू एम्प्लॉयमेंट। नो, एजुकेशन इज टू एनलाइटनमेंट, और एक एनलाइटेंड माइंड। ये देखिए, ये कलाम साहब, इनकी किताब है इग्नाइटेड माइंड, पढ़िए ना, एजुकेशन इज इक्वल टू एनलाइटनमेंट। वो एनलाइटेंड माइंड कुछ भी करेगा। ये कलाम साहब पेपर बेचते बेचते राष्ट्रपति भारत के, साहब के बारे में क्या कहना, साहब मसीहा बन गए, दलितों के आदर्श बन गए, और बहुत सारे लोगों के लिए तो भगवान बन गए शिक्षा से। ये स्वामी विवेकानंद, ज्ञान शक्ति का आधार है। सुभाष चंद्र बोस, आज भी ब्रिटेन की सिविल सेवा को दंश है कि एक आदमी हमारे घर में घुसकर हमको चुनौती देकर चला गया। भाई वहां पर इनसे पूछा गया, सिविल सेवा के इंटरव्यू में पूछा गया, सुभाष बोस क्या नहीं कर सकता? बोले सब कुछ कर सकता। बोर्ड मेंबर ने अपनी अंगूठी निकाली, सामने रखा, कहा इसमें से निकल के दिखाओ। इन्होंने पेपर लिया, उस पर लिखा सुभाष चंद्र बोस, निकल के दिखा दिया। ये सरदार भगत सिंह, जवानी इतनी क्रांतिकारी हो सकती है? इतनी, मुझे नहीं लगता कि इतनी महान जवानी किसी की रही होगी। तो शिक्षा क्या है? अब शिक्षा में कुछ गलतियां हमारा समाज करता है, शायद अनजाने में करता है। मैं आज आपको एक पैरामीटर दे रहा हूं, आप उस पर सोचिएगा, विचार करिएगा, फिर निर्णय लीजिएगा।
जितने लोगों के बच्चे नर्सरी से क्लास 5 में पढ़ रहे हैं, कृपया करके हाथ जोड़कर कह रहा हूं, प्लीज उनको प्रेशर ना दे और साइकेट्रिस्ट से बच्चों को थोड़ा सा दूर रखे। वो प्रेशर साइकेट्रिस्ट के पास जाए ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो देखता हूं बड़े बड़े, मेरी बच्ची है उसको उसके टीचर ने कहा कि इसको साइकेट्रिस्ट के पास ले जाना पड़ेगा। बच्चा साइकेट्रिस्ट के पास जाएगा, बच्चे से ज्यादा मस्त कौन होता है? लेकिन परिवार और समाज उसको प्रेशर दे रहा है। 5 से नर्सरी से क्लास 5 का जो जीवन है, आप किताबों को देखो, 5 नर्सरी से क्लास 5 में सबसे ज्यादा किताबों में क्या है? चित्र है। नर्सरी में एप्पल बना है, फिर नीचे ए लिखा है, देखना और पढ़ना। देखना सिखाइए आप उसे, खुद ही पढ़ने लगेगा। कोई गोल मत दीजिए, कोई उद्देश्य मत दीजिए। ये जो बाहर आपके परिवार में लोग आते हैं, मेहमान आते हैं, आपका लड़का नौकर है, कवि है, कोई भी परिवार में आ गया, गुड्डू अंकल आए, इनको पोयम सुनाओ, मैं राज कवि हूं, दरबारी कवि हूं मैं, बेटा इनको पहाड़ा सुनाओ, बेटा इनको ये दिखाओ, सब बंद कर दीजिए। किसी घर जाइए, उनके बच्चों से मिलिए, अप्रिशिएट करिए, सवाल मत करिए। बहुत सारे मेहमान आते हैं, सवाल करने लगते हैं, किस क्लास में पढ़ते हो? जी 8 में पढ़ते हैं। अच्छा, एलिमेंट कंपाउंड क्या होता है? मास्टर हो, कृपया बच्चों को प्रेशर देना बंद कर दें, उन्हें देखना दीजिए और पढ़ने दीजिए। ये नर्सरी से क्लास 5 तक का है, प्रेशर मत दीजिए प्लीज। आप खुद इतने प्रेशर से जूझ रहे हैं, मत दीजिए प्रेशर उनको। क्लास 6 से लेकर 10th कनेक्ट करना है और पढ़ना है। बदल गया पढ़ाई, कनेक्ट करना और पढ़ना। अशोक ने धम्म क्यों चलाया? विभिन्नतावादी भारत है, आज जैसे हिंदू मुसलमान ईसाई हैं, ऐसे तब बौद्ध ब्राह्मण और जैन थे। कनेक्ट करना और पढ़ना, रटना नहीं। रटने से बुद्धि कुंद हो जाती है। रैंचो मॉडल जो है वो रटने का मॉडल नहीं है। अपने बेटे को बेटी को चतुर्लिंगम मत बनाइए, अपने बच्चों को रैंचो बनाइए। कनेक्ट करना सिखाइए, कनेक्ट करना। बहुत परिवारों के पास, बहुत माँ बापों के पास टाइम नहीं है, बड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है। आपका जो ट्यूटर आता है, कोचिंग है, आपके बच्चे जहां पढ़ने जाते हैं, उनसे कहिए कनेक्ट। क्या क्यों, क्या क्यों, क्या क्यों, ऐसे पढ़ाइए बच्चों को। 6 से 10 आज जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, आप सब लोग, अगर आप सब लोगों को आज के इस प्रोग्राम से कोई नई दिशा मिलती है, नया फायदा होता है, तो भारत समाचार चैनल को प्रमोट करिए। ब्रजेश मिश्रा जी को धन्यवाद दीजिए आकर कि एक चैनल अपनी इनकम से अतिरिक्त समाज और राष्ट्र की सेवा कर रहा है। भाई ब्रजेश जी ने हमसे कहा कि सर बड़ा सारा मैसेज आता है, पेरेंट्स पूछ रहे, लोग पूछ रहे, पढ़ाई कंपटीशन ये सब, ये कितना चिंतित है, कितना वो व्यक्ति जागरूक है इस समाज के लिए, इस देश के लोगों के लिए। आपका दायित्व है भारत समाचार चैनल को प्रमोट करना, आपका दायित्व है ब्रजेश मिश्रा जी को धन्यवाद देना, ये आपका दायित्व है। कोई आदमी निशुल्क आपके लिए कुछ कर रहा है, यहां किसी से मिलने जाइए, 1000 रुपए फीस देना पड़ता है। 11, 12 और ग्रेजुएशन, अब एक्टिव होने का समय आ गया, अब गोल निर्धारित करने का समय आ गया। हालांकि लड़के 9, 10 से ही गोल एक दूसरे को देख के बनाने लगते हैं, लेकिन अब समय आ गया। 11, 12 ग्रेजुएशन, अब समय आ गया। अब 3 काम करना है, अब कनेक्ट करना है, एनालाइज करना है और पढ़ना है। एनालाइज करना है अशोक का भारत और आज का भारत, अशोक का भारत विभिन्नतावादी भारत, आज का भारत विभिन्नतावादी भारत। एनालिसिस करना है। नर्सरी से क्लास 5 क्या करना है? देखना और पढ़ना है। 6 से 10 में क्या करना है? कनेक्ट करना और पढ़ना है। और 11, 12 ग्रेजुएशन में क्या करना है? कनेक्ट करना है, एनालाइज करना है और पढ़ना है। और अगर आप ये काम कर ले गए तो आप ये समझ लीजिए कि ये शिक्षा इन 5 लोगों की तरह आपको भी ऐसे ही किसी पैमाने पर पहुंचा देगी।
एजुकेशन इज नॉट फॉर एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन सिर्फ नौकरी देने के लिए नहीं है, एजुकेशन सिर्फ परसेंटेज लाने के लिए नहीं है, एजुकेशन सिर्फ पैकेज के लिए नहीं है, इन सब चीजों के लिए सिर्फ एजुकेशन नहीं है। हाँ, लड़के ने ये कर रखा है।